और अब देश की बड़ी खबरों के लिए देखिए भारतवर्ष टॉप नाइन। एएमयू में गणतंत्र दिवस के दिन झंडा रोहण के बाद वाइस चांसलर की मौजूदगी में अल्लाह अकबर और नाराए तकबीर जैसे धार्मिक नारे लगाए गए। हैरानी की बात यह है कि नारे लगाने वाले एनसीसी की यूनिफॉर्म में थे। कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से बात की है। यूपी के बरेली की दरगाह आला हजरत से जुड़े मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को देश में नफरत फैलाने वाला बताया है और छत्तीसगढ़ सरकार से मांग की है कि उनके खिलाफ धर्मांतरण कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाए। पीएम मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर हो रहे विवाद के बीच जेएनयू में बवाल जारी है। डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के दौरान बिजली काटे जाने के विरोध में छात्र संगठन एसएफआई ने विरोध जताया। पुलिस ने हंगामा करने वाले छात्रों को हिरासत में लिया। बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री का मामला दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक होता हुआ हैदराबाद यूनिवर्सिटी तक पहुँच गया। डॉक्यूमेंट्री पर बैन के बावजूद छात्रों के एक गुट ने कैंपस में फिल्म दिखाई। ये अपने गाँव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जिसके विरोध में एबीवीपी ने द कश्मीर फाइल्स का प्रदर्शन किया। बेशरम रंग आने से शाहरुख की फिल्म पठान पर हुए विवाद का फायदा फिल्म को मिलता दिख रहा है। फिल्म की 2 दिन में कमाई 100 करोड़ के पार हो गई है। वहीं राजस्थान के जोधपुर में हिंदू संगठनों ने फिल्म के प्रदर्शन को रोकने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। बिहार के पूर्णिया में गणतंत्र दिवस के मौके पर पाकिस्तानी झंडा फहराने का मामला सामने आया है। शिकायत पर पुलिस ने झंडे को नीचे उतारा। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में पीएम मोदी आज परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से बात करेंगे। इस दौरान पीएम छात्रों को तनाव कम करने का मंत्र भी देंगे। कार्यक्रम में 38 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराकर रिकॉर्ड बनाया है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज कश्मीर में प्रवेश करेगी। 30 जनवरी को श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में यात्रा का समापन होगा। इससे पहले पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि यात्रा का सभी जगहों पर बेहतर तरीके से स्वागत किया जा रहा है। दिल्ली में एलजी और सीएम के बीच चल रही खींचातान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। एलजी वीके सक्सेना ने सीएम केजरीवाल को मिलने के लिए बुलाया तो उन्होंने पंजाब जाने की बात कहकर असमर्थता जाहिर कर दी और मिलने के लिए दूसरे दिन का समय देने की गुजारिश भी की। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।